61 के पास है, 61 के पास ट्रांसफार्म के पास, बिल्कुल ट्रांसफार्म के सामने, और ये ट्रैक पे चट गया सर फेंसिंग के पास। अंधेरे में भी बड़े से बड़े चक्रव्यूह की पोल खोल देने वाली टेक्नोलॉजी। हाईटेक सेना की रात में देखने वाली आंख, थर्मल इमेजिंग नाइट साइट उपकरण, वो तकनीक जिस पर दुनिया के कुछ गिने चुने मुल्क इतराते हैं, मगर अब ये तकनीक भारत की सेना की ताकत होगी, क्योंकि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। जी हाँ, अब हिंदुस्तान भी बदल चुका है और हिंदुस्तान की सेना भी। मोदी सरकार की रक्षा खरीद परिषद यानी DAC ने 6,900 करोड़ रुपए के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ये थर्मल इमेजिंग नाइट साइट उपकरण खरीदे जाएंगे। इस उपकरण के आने के बाद भारत की सेना की ताकत और मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इससे सीमा पर तैनात सैनिक घने अंधेरे में भी दुश्मन के बंकरों को टटोल उन पर सटीक निशाना साध पाएंगे। इतना ही नहीं, रॉकेट लॉन्चर्स के लिए भी थर्मल इमेजिंग नाइट साइट का इस्तेमाल थल सेना के साथ साथ वायु सेना भी करेगी। ये स्याह अंधेरे में भी दुश्मन के टैंकों का पता लगाने और सैनिकों के आगे बढ़ने में बेहद मददगार उपकरण है। इसके अलावा सुखोई 30 विमानों के लिए भी लगभग 100 इंफ्रारेड इमेजिंग सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। यानी इंडियन आर्मी का सबसे खतरनाक सुखोई विमान रात में और खूंखार हो जाए। मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने की कोशिश के तहत इन उपकरणों को प्रमाणित भारतीय विक्रेताओं के जरिए ही खरीदा जाएगा। यानी ताकत के साथ साथ देश का आर्थिक विकास भी, क्योंकि अब हिंदुस्तान बदल चुका है।